वादा निभाती तो चुनाव, बोले संजय राउत। पात्रा चौल भूमि घोटाले के आरोप, शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना के बीच हुए समझौते के तहत एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाना था। एक टीवी चैनल से हुई बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा, अगर भाजपा ने एकीकृत शिवसेना के साथ हुए समझौते का सम्मान किया होता तो एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाता। राउत ने कहा, चुनाव से पहले हमने भाजपा के साथ गठबंधन किया था, तय किया था कि जहां जनादेश मिलेगा 50-50 के आधार पर सत्ता साझा की जाएगी। उन्होंने कहा, हम हिंदुत्व को आगे लेकर जाना चाहते थे जो कि दोनों का मूल डीएनए है। राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी का था, अगर भाजपा अपना वादा निभाती तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता। उन्होंने कहा, असली शिवसेना तोड़ने के बाद, हमारा चिन्ह नष्ट करने के बाद भाजपा पुराने समझौते को आगे लेकर गई है। आज उस व्यक्ति को आपने सीएम बनाया है। भाजपा अपने शब्द पर कायम रहती तो उसी समय एकनाथ शिंदे सीएम बन जाते। राउत ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले केवल विपक्ष में ही है? ऐसा क्यों है कि इन मामलों में केवल विपक्ष के लोगों का नाम लिया गया है और भाजपा या उनके राज्यों में से किसी का नाम भी नहीं लिया गया है? उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे कुछ लोगों का नाम लिया, मनी लॉन्ड्रिंग में लिया है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसी है वो टूट फूट की बात तो पुरानी हो गई है। हमारे लिए महाराष्ट्र में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है, तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी और भी राज्यों में हुई है। राजनीति में इस प्रकार की नई बात नहीं है। लेकिन सर, जो उम्मीदें फडणवीस की, जो ऐसा कहा जा रहा है फडणवीस सीएम बनेगा, आप नहीं समझते कि बात ऐसी है कि वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री करना है किसको नहीं करना है। मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी भी आदेश पर चलती है, हाईकमान के एक आदेश आया और फडणवीस जी ने स्वीकार किया।